नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, किस तरह का एक्शन दिखने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके बनेंगे, ये तमाम चीजें हम आपको बताते हैं अगले आधे घंटे के दौरान। तो आज हमारे साथ आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान हैं मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आज के बाजार का एक्शन में बताएंगे कुशल, नतीजों पर आज फोकस रहेगा, मेरिको के नतीजों का विश्लेषण करेंगी देवांशी, अदानी पोर्ट्स के नतीजों का अनुमान हम संदीप से जानेंगे और कुशल से जानेंगे NIIT टेक का अनुमान और फार्मा शेयर आज फोकस में क्यों रहे इसकी वजह जानेंगे, और साथ ही पूजा से हम जानेंगे कि ये शेयर क्यों फोकस में रहे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लॉन्ग वीकेंड के बाद पहला कारोबारी दिन बाजार का कैसा रहा। तो अमेरिका और चीन एक बार फिर से, अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड वार की आशंका ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह से खराब कर दिया। निफ्टी करीब 5.5% की गिरावट के साथ 9,300 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 2,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में बैंक और फाइनेंशियल शेयर शामिल थे। इसी के चलते बैंक निफ्टी भी करीब 1,800 अंकों की गिरावट के साथ 19,750 के पास बंद हुआ। मिड कैप शेयरों की भी आज जमकर पिटाई हुई और इंडेक्स करीब 7% तक लुढ़क गया। तो भारी गिरावट आज के कारोबार में हमने बाजार में देखी है। और अब आपको बताते हैं कि आज के कारोबार में FIIs और DIIs ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा जरा आप देख लीजिए। तो आज के कारोबार में FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1474 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1662 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। यानी आज FIIs के मुकाबले DIIs की बिकवाली ज्यादा रही मार्केट में। तो ये आज के मार्केट का पूरा लबोलुभाव। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक है क्या, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार टूट गए क्या माना जाए, फिलहाल के लिए बाजार की क्या ये हवा निकल गई है, ये गिरावट लंबी रहेगी, कुल मिलाकर आज की इस गिरावट पर आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पुरानी कहावत है कि सेल इन मे एंड गो अवे। जी हाँ, मई में सब कुछ बेच के आराम से छुट्टियों पर जाइए। और ये कहावत जिसने भी बनाई हो, जब भी बनाई हो, ऐसे ही नहीं बनाई, शायद कुछ न कुछ कारण और उसके पीछे वजह रही होंगी, और आज वो वजह एकदम सही साबित होती दिखी है। अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत में दुनिया भर से जो खबरें आती हुई दिखी वो बाजार को बड़ी परेशान करने वाली। एक और कोरोना से कहीं कोई राहत नहीं, आंकड़े लगातार मजबूत, यानी कि मजबूत इन द सेंस की जो कोरोना के मरीज हैं, मरने वालों की तादाद है, वहीं कहीं कोई कमजोरी आती नहीं दिख रही, कमी आती नहीं दिख रही है, जो कि खराब है। दूसरी ओर अमेरिका अब चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है कोरोना की वजह से, तो ये तनाव दो बड़े देशों के बीच में बाजार को पसंद नहीं आ रहा। तो पहली तो मजबूरी और वहां से दिक्कत आती हुई दिखी। दूसरी दिक्कत, हमारे यहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, हमारे यहाँ भी कोरोना के आंकड़े खराब है, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनियों के, खासतौर से HUL रिलायंस, इनके बहुत अच्छे दिखे नहीं। और फिर जो कुछ भी खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, तेजी, आप जो नाम दे दें, वो अप्रैल की सीरीज तक जो होना था हो गया। मई की सीरीज की शुरुआत में लंबे वीकेंड के बाद मूड बेहद खराब रहा। तो एक साथ जब इतने सारे आपको नेगेटिव फैक्टर्स दिखे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल ये हो जाता है कि अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में बाजारों ने जो दिखाया वो बेहद कमजोरी का ट्रेड था। दिक्कत की बात ये रही कि कहीं भी किसी भी लेवल से बाजार में साइजेबल रिकवरी आई नहीं, और दिन के निचले स्तरों के बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुए। इसका मतलब साफ था कि पूरे दिन भर बिकवाली का दबाव हर एक लेवल पर बाजार पर हावी रहा, और तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी बैकफुट पर हो गए। खरीदना बंद, पुरानी खरीदारी की पोजीशन को कम करना, और बिकवाली करने वाले हावी होते हुए दिखे। तो ये बात सही है, जो कुछ भी आपने मार्च का इतना खराब महीना देखा था वैसा खराब अप्रैल देखा नहीं, उसके विपरीत बहुत बेहतरीन देखा। लेकिन जैसा अप्रैल देखा
वैसा मई दिखेगा नहीं, ये बात पक्की है। तो ये कह सकते हैं कि अप्रैल की तेजी हवा होती हुई दिख रही है। अब ठीक है, बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखे, लेकिन मूड माहौल बाजार का बदलता हुआ नजर आ रहा है। मई के पहले ही दिन खराब। ओके, तो मार्केट का माहौल खराब हुआ और अप्रैल की तेजी मई में हवा होती हुई दिख रही है। अब सवाल यह है कि आज जिस तरह से मार्केट में गिरावट रही, उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका इस गिरावट में ज्यादा रही है, और उन सेक्टर्स को लेकर क्या क्या खबरें हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। बताइए आशीष। देखिए, मई सीरीज के पहले दिन बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स लगभग 6% लुढ़क गए और इसके पीछे दो प्रमुख कारण, एक तो कोरोना वायरस की लगातार बढ़ती चिंता, लॉकडाउन का एक्सटेंशन, साथ ही दूसरा एक बड़ा एंगल ये सामने आ रहा है कि ग्लोबल चिंताएं भी अब बढ़ती नजर आ रही है। जो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर गर्मा आ गया है। शुक्रवार को हमारे बाजार तो बनते इसके लिए रिएक्शन देखने को नहीं मिला, आज उसका रिएक्शन आया क्योंकि शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो वहां पर काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। वॉलिटिलिटी का सूचकांक विक्स की अगर बात करें तो आज काफी दिनों के बाद यहाँ पर भी एक तेज उछाल आया है, लगभग 30% की तेजी विक्स में देखने को मिली, अब 44 के स्तर पर आ गया है। और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखें, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर था बाजार में। सबसे ज्यादा गिरावट आज देखने को मिली बैंकिंग सेक्टर में। आप निजी स्पेस के बैंक देखिए या फिर आप जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर देखिए, सरकारी बैंक्स हैं, लगभग हर जगह गिरावट देखने को मिली। ICICI बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भारी गिरावट के साथ बंद हुए। और NBFC स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि लगातार वीकनेस दिखा रहे हैं। बाजार जब रिकवर करता है तभी भी स्टॉक्स अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और आज के सत्र में आप देखिए भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। L&T फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस दिग्गज, HDFC, मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स भी स्वाभाविक था कि आज के सत्र में गिरेंगे। कारण ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल चिंताएं जो बढ़ी हैं इसका सीधा असर जो है मेटल स्टॉक्स पर देखने को मिला। हिंडाल्को, वेदांता, JSW स्टील और टाटा स्टील ने तो पावर हफ्तों का निचला स्तर भी दिन के दौरान छुआ। ऑटो स्टॉक्स बिक्री के आंकड़े का भी रिएक्शन देखने को मिला क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने अप्रैल के महीने में एक भी वाहन नहीं बेचा, मिसाल के तौर पर मारुति, तो वहां पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां पर भी आज सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आया। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, हीरो और मारुति गिरावट के साथ बंद हुए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अब देखिए कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, कोल्टे, पाटिल, एकमात्र सिर्फ एक फार्मा सेक्टर ऐसा था जब हमने देखा कि आज बाजार में यहाँ पर कुछ खरीदारी की थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। और फार्मा स्पेस में भी अगर आप देखें तो खासतौर पर जो MNC कंपनियां हैं वहां पर आज सिलेक्टेड बाइंग आते हुए देखी। AstraZeneca फार्मा 7-8% की तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली। IOL केमिकल्स, औरबिंदो फार्मा जो कि अप्रैल सीरीज का स्टार परफॉर्मर था, साथ ही सनोफी इंडिया जो MNC फार्मा कंपनी है यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में सेलिंग प्रेशर हावी था। ओके, तो आशीष ने बताया कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली और उस गिरावट के पीछे वजह क्या रही। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, सुदीप बंदोपाध्याय जी का। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बात अभी आशीष ने बताई अलग अलग सेक्टर के बारे में, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि मई का महीना आपको कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है, मसलन जो बैंकिंग की बात की, NBFCs की बात की, मेटल की बात की, क्या ये सेक्टर पूरे महीने दबाव में ही रहेंगे, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिख रहे हैं जहां पर थोड़ा कम निगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे इन तमाम वजहों का। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स का जो रुख है, ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और इसी का असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। और अगर US मार्केट में बड़ा करेक्शन होता रहता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और ये US मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है इसका मुख्य कारण US चाइना ट्रेड वार और जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड बढ़ रहा है इसको लेके है। डोमेस्टिक रीजन जैसे कि कहा गया है, अनिल जी बात कर रहे थे कि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और इंडिया में भी कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंडियन मार्केट में दबाव है और हम लोग को लगता है इंडियन मार्केट में दबाव बना रहेगा। और अगर ऐसा दबाव बना रहता है, FIIs, DIIs का सेलिंग जारी रहता है तो जो दिग्गज काउंटर है वहां पे बिकवाली रहेगी। अगर सेक्टर्स की स्पेसिफिक बात करें तो हम लोग को लगता है कि मेटल क्षेत्र में बहुत दबाव रहेगा। और मैं तो हमेशा से मतलब
तीन चार महीने से बोलते आए हूँ कि मेटल से दूर रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत नाजुक स्थिति है यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, और इस हालत में मेटल से दूर रहना चाहिए। दूसरा सेक्टर जिसका मैं जिक्र करूंगा, जहां पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, बाय एंड लार्ज जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ पे बहुत मूविंग पार्ट्स है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हर बहुत सारे तरीके के बिजनेसेस हैं, और कुछ बिजनेसेस में शायद रिकवरी देखने को मिल सकती है, पर कुछ बिजनेसेस में जरूर दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें आने वाले दिनों में भी रहेंगे। अच्छे सेक्टर्स या जो सेक्टर में दबाव ज्यादा नहीं रहेंगे, उनमें से हम जिक्र कर सकते हैं केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स के कुछ कंपनीज जहां पे प्रोडक्शन में ज्यादा इंटरप्शन नहीं हुआ, जिनके प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और तीसरा फार्मा एंड हेल्थ केयर, फार्मा हेल्थ केयर मैं तीसरे स्थान पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा सतर्क होकर स्टॉक सिलेक्ट करके आपको इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, पर बाय एंड लार्ज फार्मा हेल्थ केयर में भी ठीक ठाक काम होना चाहिए, बहुत ज्यादा दबाव इस सेक्टर में भी मई जून में नहीं रहेगा। ओके, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुदीप जी ने समझाया कि मई का महीना मेटल सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल शेयरों के लिए थोड़ा ख़राब रहेगा, और जैसे फार्मा, इंश्योरेंस, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैरिको ने आज चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, कैसे रहे हैं ये नतीजे बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर जुड़ी हैं। देवांशी बताइए, कैसे रहे नतीजे? मेरिको के नतीजे अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए, इस तिमाही में सफोला ब्रांड से इनको काफी मदद मिलती हुई दिखी। सबसे अहम इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 3% तक घटती हुई दिखी है, अनुमान था करीब 4-5% भी घटता हुआ दिख सकता है, लेकिन केवल 3% जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम होती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो कुल इनके वॉल्यूम्स हैं करीब 6% तक कम होते हुए दिखे हैं, जो अनुमान के मुताबिक था। अब अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करूं, सबसे पहले जो इनकी आय है करीब 7% तक कम होती हुई दिखी, अनुमान था करीब 6-7% का। साथ ही कामकाजी मुनाफा और मार्जिन इस बार कंपेरेबल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो कामकाजी मुनाफा है करीब 4% तक कम होता हुआ दिखा 282 करोड़ पर, मार्जिन इस बबार बढ़ते हुए दिखे 18.9%, करीब 19% के आसपास मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए हैं, क्योंकि जो इनके जो खर्च हैं ये थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, विज्ञापन खर्च थोड़े से कम होते हुए दिखे, इससे मार्जिन को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। मुनाफा इस बार करीब 3% तक कम होता हुआ दिखा है, करीब 204 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर सारे सेगमेंट्स की बात करें, जिसमें ने कहा सफोला ब्रांड से इनको काफी मदद मिली है, कुल वॉल्यूम सफोला ब्रांड्स में 25% तक ज्यादा बनती हुई दिखी। लॉकडाउन का असर था, लोगों ने काफी स्टॉक किया था, और इसी के चलते हमने देखा सफोला में 25% तक के वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन उनकी जो दूसरे सेगमेंट्स है जैसे कि पैराशूट हेयर ऑयल, यहाँ पे 8% तक की गिरावट देखने मिली है। अन्य जो हेयर ऑयल सेगमेंट्स है यहाँ पे भी करीब 11% तक की गिरावट देखने मिली है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो बांग्लादेश ने इस बार 6% तक की तेजी दिखाई है, अच्छा परफॉर्म किया है। बस जो हम देख रहे हैं जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ से, या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर आते हुए दिखी है। तो कुल मिलाकर मेरिको के जो आंकड़े हैं वो अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे, हल्के से बेहतर कह सकते हैं मार्जिन के लिहाज से। ओके, तो ये मेरिको के नतीजे का सटीक विश्लेषण। अब सुदीप बंदोपाध्याय जी, आपको अभी एफएमसीजी सेक्टर कैसे लग रहे हैं, और मेरिको के नतीजे को देखने के बाद आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर? ओवरऑल एफएमसीजी में हमारा व्यू नेगेटिव ज्यादा नहीं है, पर इसमें भी मैं थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक जाना चाहूंगा, और जिन कंपनीज का रूरल मार्केट में अच्छा पकड़ है, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, उन कंपनी पे मैं अभी बेट करना चाहूंगा। मैरिको, डाबर जैसे कंपनी पे जरूर हमारा ध्यान है और यहाँ पे ध्यान रहेगा। इनफैक्ट जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं अभी डाबर, मैरिको ही है। इनका रूरल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और इनका प्रोडक्ट बास्केट भी क्वाइट वेल स्प्रेड आउट है। देखिए, बिफोर कोरोना हिट अस रूरल डिमांड में थोड़ा बहुत ग्रीन शूट देखने को मिल रहे थे, और अभी कोरोना के बाद जो सरकार की तरफ से जो स्टिमुलस थोड़ा बहुत मिला है तो रूरल सेक्टर में इसका बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है पिछले सीजन में वो भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिला है, हालांकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन कहा जा सकता है, और सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है। तो ओवरऑल हम लोग को लगता है कि रूरल रिकवरी
कोरोना के बाद पहले आएगा बिफोर अर्बन रिकवरी, और रूरल रिकवरी अगर पहले आता है, जो कंपनी रूरल क्षेत्र में काम करते हैं कंज्यूमर स्टेपल्स लेके, उनका बिक्री उनका सेल्स बढ़ेगा। तो मैरिको डाबर जैसे रूरल फोकस्ड एफएमसीजी कंपनीज पे हमारा फोकस है और रहेगा। ओके, तो मैरिको डाबर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर आपका फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज के नतीजों की। अब कल जो नतीजे आने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे, और कल अदानी पोर्ट्स चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। क्या अनुमान है, नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताइए। देखिए, चौथी तिमाही की जहाँ तक बात है, नंबर्स मिले जुले रहेंगे। आय जरूर 5% बढ़ेगी क्योंकि पोर्ट वॉल्यूम 8% और कंटेनर वॉल्यूम करीब 8% बढ़ेंगे, तो पोर्ट से आय मजबूत रहेगी, उससे आय को सहारा देखने को मिलेगा। दूसरा, अदानी एग्री और इनोवेटिव B2B जो बिजनेस है इनका, उसके विलय से आय को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कामकाजी नंबर्स की बात है, 8% इनका EBITDA में ग्रोथ आएगी। मार्जिन जो कि 63% है वो बढ़कर 65% के आसपास के आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन आप देखिए मार्च के लास्ट एक हफ्ते में हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट इस बार नंबर्स में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मुनाफा हमारा नवाने के 1% के आसपास गिरता हुआ देखेगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि इस बार एक बड़ा फॉरेक्स घाटा ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जिससे रुपया कमजोर हुआ है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का फॉरेक्स घाटा आएगा। लेकिन जो इनका SEZ कारोबार है वहां से जरूर इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ जो अन्य आय वो करीब 35% बढ़कर 550 करोड़ रहेगी। तो एक तो अन्य आय बढ़ेगी, SEZ का बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिससे मुनाफे की जो डी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखेगी। 1% मुनाफा घटकर 1271 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ओवरऑल देखा जाए नंबर्स में इस बार लॉकडाउन का ज्यादा नहीं दिखेगा। ओके, तो ये नतीजों का अनुमान है कि नतीजा कैसा रहने वाला है। तो सुदीप जी, ये इस अनुमान को देखते हुए आपका क्या नजरिया बन रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? ये एंटायर अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट हमारा फेवरेट शेयर रहा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सोच रहे तो उनके लिए अदानी पोर्ट बहुत अच्छा बाई है। प्राइस करेक्शन ओवरऑल मार्केट के साथ हुआ था और इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं एक साल का नजरिया लेके। जैसे इन्होंने अपना पोर्ट का ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन किया, एक्विजिशंस के जरिए एक्सपेंशन किया और एफिशिएंसी बेहतरीन है, तो इसपे खरीदारी जरूर की जा सकती है। और इसमें ध्यान रखिए कि चाइना US का जो ट्रेड वॉर है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियल इंडिया बन सकता है, और अगर इसका बेनिफिशियरी इंडिया बने तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इंडिया से बढ़ने की उम्मीद रहेगी, और ये उम्मीद के कारण अदानी पोर्ट एफिशिएंट पोर्ट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना है। और अब वक्त है कल के लिए स्ट्रेटजी जानने का। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, आज की तेज गिरावट को देखते हुए कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बाजार जहां आज बंद हुए हैं वो मेक और ब्रेक लेवल है। यहां से एक करेक्शन भी दिखा सकते हैं वापस नीचे की तरफ, यानी कि 9000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनेगा, 250 पॉइंट पौने 300 पॉइंट की जगह है। ऊपर 9500-9550 तक की एक रिकवरी भी आ सकती है, तो 200-250 पॉइंट दोनों तरफ जाने की पूरी बराबर जगह है, और वहीं पर बंद हुए जो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी पर 19700 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, तो उसके आसपास ही बंद हुए। नीचे 300 पॉइंट 19400, तो 19400 19700 की सपोर्ट रेंज को होल्ड भी किया है। अब यहां से फिसलेंगे तो और बड़ी कमजोरी बनेगी, नहीं तो यहीं से एक रिकवरी का लेवल भी बनता है जो 20400-20500 तक का एक बार फिर से बन जाता है। तो मुझे लगता है कि एक बार देखना यह होगा कि कल दुनिया भर के बाजारों में किस तरह के संकेत रहते हैं, क्योंकि जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और फिर से कमजोरी का एक और सेशन अमेरिका में होने की आशंका थी दो कमजोर सेशन के बाद। तो अमेरिकी बाजारों पर ही पूरा दुनिया भर का ट्रेड निर्भर है, और मुझे लगता है कि वहीं से संकेत मिलेंगे कि आज रात अमेरिका में क्या कुछ होता है, फिर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या ट्रेड करते हुए दिखते हैं। लेकिन एक चीज पक्की है और वो ये है कि आज पहले दिन जिस तरह से बाजार में मार पड़ी है, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस हिला है, और ऐसे में ऊपर बाजार अगर आएगा तो ट्रेडर्स जो फंसे हुए वो निकलने के बारे में सोचेंगे। तो तेजी करने की हिम्मत लोगों में कम बची है एक ही दिन में जिस तरह से तेज मार पड़ी हुई, और निकलने के बारे में ज्यादा लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से शुरुआत होती है, लेकिन ऊपर शुरुआत होती दिखी कल तो फिर से बिकवाली का प्रेशर बन सकता है, और नीचे शुरुआत हुई तो 9000 के आसपास 9100 के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ये कल का ट्रेड हो सकता है।
ओके, तो ये कल का ट्रेड कैसा रहेगा और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये आपको अनिल जी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये बेहतरीन रणनीति बताने के लिए। लेकिन अब सुदीप जी आपकी बारी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आप क्या सुझाव देंगे, कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? मृत्युंजय जी, तीन क्षेत्र के तीन शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र के आरबीएल बैंक दिग्गज बैंक है, बहुत पिटाई हुआ था बैंक का और अभी भी 120-121 के लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग को लगता है कि 200 रुपया तक इसका प्राइस जा सकता है एक साल के अंदर। बैंक की खासियत यह है कि दिसंबर 19 में करीब 2,700 करोड़ का फ्रेश फंड रेज किया है, इसके चलते इनका बैलेंस शीट और फंड रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से मीट हो गया। जो बड़े अकाउंट्स में दिक्कतें थी वो सारे प्रोवाइडेड फॉर है और जो कोविड रिलेटेड जो ट्रबल्ड सेक्टर्स हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म, एयरलाइन, होटल्स, यहाँ पे इनका खास एक्सपोजर नहीं है। रिटेल डिपॉजिट में डिप नहीं देखा गया है, जो होलसेल डिपॉजिट थोड़ा बहुत निकल गए हैं उससे बैंक का लिक्विडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक ठाक है, ओवरऑल 0.5-0.55 टाइम बुक पे शेयर मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो लाइफ इंश्योरेंस का जिक्र हमने किया, दिग्गज कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 800 रुपए का टारगेट एक साल के लिए। दिग्गज कंपनी क्षेत्र के बहुत पोटेंशियल अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि कोविड के बाद इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट और इंश्योरेंस खरीदारी का प्रोपेंसिटी और बढ़ेगा और इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी SBI को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तीसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, स्पेशलिटी केमिकल्स के बहुत ही अच्छे दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्रीज है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है और तरह तरह के केमिकल्स जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कनेक्टेड है बनाते हैं और US चाइना ट्रेड वॉर का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आरती इंडस्ट्रीज बनेगा और ऑलरेडी उसका असर कंपनी में देखने को मिल रहा है, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। 1400 रुपए का टारगेट लेके हम एक साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं जी। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शेयर आपने बताए हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पर निवेश करना चाहिए, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं किरणजाधव.com के किरण जाधव। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर आपको कमाई के मौके बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से फार्मा कंपनीज में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली, वैसे मुझे लगता है कि सिप्ला का चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है और उधर जो डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहा है वो ऊपर 650-640 इन लेवल्स पे अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इससे ये वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो उस लिहाज से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, सिप्ला का 620 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए जो कि आज की क्लोजिंग 36 पे है, स्टॉप लॉस 30 रुपए का लगाना चाहिए और मेरा अंदाजा है कि कल परसों तक आपको टारगेट 50 के देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण यादव जी। सुदीप बंदोपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का शुक्रिया बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।